हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को वाइटल साइन के बारे में बताया था, जिसमें टेम्परेचर के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आज का टॉपिक है पल्स, यानी कि वाइटल साइन में ही दूसरा जो है एग्जामिनेशन के लिए वो है पल्स। यानी कि वाइटल साइंस में हम लोग चार चीज़ों का रूटीनली एग्जामिन करते हैं, ठीक है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है पल्स, तीसरा है रेस्पिरेशन रेट, और चौथा है हमारा टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, और चौथा है बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अब मैं पल्स के बारे में डिस्कशन करूँगी। तो पल्स क्या है? पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट में हमारा हार्ट कितने बार बीट करता है, तो वही पल्स है। पल्स कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी पल्स कैसे क्रिएट होता है, कैसे जनरेट होता है? तो हमारे हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन के चलते पल्स क्रिएट होता है, यानी ब्लड पंप करता है, वेव क्रिएट होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज द रीज़न ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो पल्स रेट किसके द्वारा रेगुलेट होगा, यानी कौन इसको रेगुलेट करता है? तो इसको रेगुलेट करने के लिए हमारा क्या है, तो ये है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है कि पल्स को रेगुलेट करता है, पल्स रेट को, ठीक है। अब ये बहुत ही वैल्यूएबल डाटा है, यानी इस मतलब इससे क्या होता है कि बहुत ही, अगर किसी पर्सन के बारे में जानना है तो हम लोग उसका पल्स रेट देख के बहुत कुछ जान सकते हैं। यानी कभी कभी देखते हैं कि कोई इंसान अनकॉन्सियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो हम लोग उसका पल्स रेट चेक करते हैं कि जिंदा है कि नहीं है, या फिर कोई सीवियर कंडीशन तो नहीं है। नेक के पास कैरोटिड आर्टरी होती है, उससे चेक करते हैं। हाथ में जो रेडियल आर्टरी है वहाँ से, कलाई से चेक करते हैं, ठीक है। रिस्ट, फिर हमारा हो गया इसका डेफिनेशन क्या है, तो वही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के चलते क्या होता है कि वेव ऑफ ब्लड क्रिएट होगा, ब्लड पंप करेगा, तो उससे हमारा क्या होता है कि हार्ट बीट होता है, यानी ब्लड पंप करेगा तो पल्स रेट क्रिएट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के चलते क्या होता है कि ब्लड का वेव क्रिएट होगा, और जिसके चलते पल्स प्रोड्यूस होता है, पल्स होता है, ठीक है। पल्स रेट यही है। अब हमारा आता है कि कौन कौन से कॉमन साइट हैं हमारे बॉडी में जिससे हम लोगों की पल्स के बारे में पता चलता है, यानी हम लोग पल्स को चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारा कैरोटिड, फर्स्ट है कैरोटिड। तो कैरोटिड आर्टरी नेक के पास होती है, ठीक है, ये सबसे कॉमन साइट है पल्स लेने के लिए, ठीक है। फिर है दो फिंगर, या दो या थ्री, मतलब तीन, हम लोग यहाँ पे फिंगर लगाएंगे अपने नेक के पास साइड में, और यहाँ पे हम लोग वेन का पता करते हैं, आर्टरी होती है कैरोटिड आर्टरी, उसको चेक करेंगे, ठीक है। और सेकंड वन है क्या कि हमारा जो ईयर है उसके बगल में यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी होती है जिससे हम लोग पल्स ले सकते हैं। थर्ड वन है क्या है हमारा, थर्ड एपिकल है। एपिकल आर्टरी कहाँ होती है, हमारे रिब्स के पास होती है। अगर हम लोग 4 साल से कम के हैं, अगर हम लोग का एज 4 से कम हो रहा है, तो हम लोग क्या फिफ्थ रिब के नीचे देखेंगे, यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ, तो वहाँ पे होता है, ठीक है। और अगर हम लोग 4 या 6 के बीच में हैं, एपिकल पल्स एट एज 4 to 6, यानी 4 से 6 साल के हैं हम लोग, तो ये हमारा कहाँ रहेगा, 6th ribs के नीचे रहेगा। और अगर हम लोग एडल्ट हैं तो वो स्टर्नम के पास रहेगा। देखिए यहाँ स्टर्नम के पास दिख रहा है ना, ये स्टर्नम है, ये जो है हमारा स्टर्नम है, ठीक, स्टर्नम के पास रहेगा। इस तरह से क्या है कि एपिकल रिब्स के पास रहती है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि ब्रैकियल आर्टरी अगर हम लोग देखें, तो ब्रैकियल आर्टरी सबसे कॉमन साइट है बीपी लेने के लिए। बीपी कफ हम लोग यहीं बांधते हैं और फिर हम लोग बीपी लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो क्या है, ब्रैकियल आर्टरी है, ठीक है। और क्या है, अब हमारा रेडियल आर्टरी को देखें, तो रेडियल आर्टरी क्या होता है कि रेडियल आर्टरी हमारा, ये देखिए, ये थंब से होकर निकलती है। हमारे हाथ में क्या होता है कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना बोन है ना, तो रेडियल आर्टरी भी रेडियल बोन के पास से निकलती है, ठीक है। तो ये रेडियल आर्टरी को हम लोग 4 fingers से हम लोग यहाँ फील कर सकते हैं पल्स को। फिर हमारा फ्यूमोरल आ गया, तो जो फ्यूमोरल है वो थाई के पास होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, पॉपलीटियल आर्टरी जो होता है उसको हम लोग दोनों हैंड का यूज करके वहाँ पे पल्स को फील करते हैं, यानी ये नी के पास होता है, ठीक है, नी के पास है। नी के पास जो आर्टरी है पीछे के तरफ, थाई के पीछे, नीचे वाले जो, देखिए नीचे वाले पोर्शन में यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये क्या है हमारा,
कि यहाँ से हम लोग पॉपलिटियल आर्टरी को अगर हम लोग टच करें ऐसे पता चल सकता है पल्स के बारे में, ठीक है, पल्स चल रहा है कि नहीं। तो ये है सातवां साइट। और जो आठवां है वो है हमारा कौन सा, पोस्टीरियर टिबियल, यानी यहाँ से पोस्टीरियर टिबियल निकलती है और जस्ट इसके यहाँ बगल से कौन सा निकलेगा, एक इसके आगे है डोर्सल पेडिस नामक आर्टरी, तो डोर्सल पेडिस यहाँ से निकलती है। और जो पॉपलिटियल टिबियल, सॉरी इससे पहले जो था पोस्टीरियर टिबियल, वो हमारा जस्ट इसके बगल से निकलता है। अब हमारा क्या है, देखिए ये नाइन साइड्स हैं जहाँ से हम लोग पल्स को ले सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा कैरोटिड आर्टरी नेक के पास, टेम्पोरल होता है ईयर के पास, एपिकल होते हैं रिब्स के पास, ठीक है, और ब्रैकियल होता है यहाँ हाथ के पास जहाँ से बीपी नॉर्मली हम लोग लेते हैं। रेडियल आर्टरी हमारे थंब के पास होता है, फिमोरल थाई के पास होगा, पॉपलिटियल नी के नीचे होगा। और फिर डोर्सल पेडिस देखिए यहाँ से निकल रहा है, पोस्टेरियर टिबियल जस्ट डोर्सल पेडिस के पीछे से निकलता है, ठीक है। तो ये नाइन साइड्स हैं जहाँ से हम लोग पल्स ले सकते हैं। मोस्ट कॉमन यहाँ पे कौन सा है, सबसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और ब्रैकियल आर्टरी है, ठीक है। ब्रैकियल आर्टरी से ही हम लोग बीपी लेते हैं, यहाँ पे बीपी कफ बांध के, और कैरोटिड आर्टरी नॉर्मली चेक करते हैं हम लोग अगर किसी का पल्स चेक करना है तो। फिर है हमारा पल्स रेंज, यानी पल्स का नॉर्मल रेंज कितना है, कि अगर जानना है कि वो इंसान सही है, उसका मतलब बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन सही है, तो उसका पल्स कितना होना चाहिए। तो ये तो वेरी करता है, बच्चों में दूसरा रहेगा, एडल्ट में दूसरा रहेगा, ओल्ड एज जो हो गया है ओल्ड एज वालों में दूसरा होगा। जो एडल्ट है उसमें कहाँ नॉर्मल रेंज कितना है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 होना चाहिए, तब उसका नॉर्मल पल्स रेट होगा, ठीक है। अब हमारा टैकीकार्डिया आता है जिसमें 100 बीट से ज़्यादा होता है, तब वो कंडीशन टैकीकार्डिया कहलाता है, ठीक है। एबनॉर्मल हार्ट बीट रहता है ये, यानी हार्ट रेट जो हो जाता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। 100 से ज़्यादा हो गया तो टैकीकार्डिया, और 60 से कम जब हो जाता है तो वो ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन आती है। बाउंडिंग क्या है, तो बाउंडिंग में क्या होता है कि स्ट्रांगफुल फोर्स पल्स है, यानी यहाँ पे बहुत ही फोर्सली ब्लड फ्लो करेगा, और अगर हम लोग पल्स को फील करना चाहें तो बहुत ही फास्टली वहाँ पे, मतलब बहुत ही फास्ट वहाँ पे पल्स फील होता है। फिर होता है थ्रेडी और वीक, यानी यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्टी, ये फील करना बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्टी मतलब क्या, डिफ़िकल्ट टू पैल्पेट अ पल्स ऑफ डिमिनाइज स्ट्रेंथ, यानी कोई भी इंसान मान के चले उसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, या फिर उसका मतलब कोई इंजरी हो गई है, या मरने वाली कंडीशन में है, या फिर कोई प्रॉब्लम ही है, तो किसी किसी का पल्स फील नहीं होता है, तो वही है थ्रेडी और वीक वाला कंडीशन। अब्सेंट मीन्स उसका कोई पल्पेट हो ही नहीं रहा है, उसका जो पल्स है वो पल्पेट ही नहीं कर रहा है पूरी तरह से, जैसे कोई मर जाता है तो उसका तो पल्स फील नहीं होगा, वो तो पूरी तरह से रुक गया है। इरेगुलर क्या होता है कि वेन इंटरवल वेरीज बिटवीन पल्स, यानी एक मतलब इंटरवल वेरी करता है, कभी पल्स फील हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, ऐसे इरेगुलर वे में। फिर है बाई जेमिनल पल्स और रेगुलर इरेगुलर पल्स अकरिंग विद प्री मैच्योर बीट, यानी क्या होता है कि रेगुलर इरेगुलर, यहाँ पे कभी रेगुलर हो जाएगा, कभी इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब पूरी मैच्योरली नहीं की, एकदम नॉर्मली आप लोग को बार बार पल्स फील ही होगा वहाँ पे अच्छे से एकदम कॉन्स्टेंट वे में, ठीक है। डाइक्रोटिक क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पहला पल्स जो है दूसरे पल्स के कंपेरिजन में स्ट्रांग होता है, यानी पहले पल्स को हम लोग फील किए तो जब दूसरा फील करेंगे तो वो उससे कमज़ोर होगा, वीकर होगा, ठीक है। और स्प्लिट और डबल पल्स बीट द सेकंड बीइंग वीकर देन फर्स्ट, वही है कि सेकंड वाला जो होगा वो फर्स्ट से वीकर होगा, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर।